आखिर फैक्ट्री की छत पर क्यों होते हैं विंड वेंटिलेटर्स? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री की छत पर विंड वेंटिलेटर्स क्यों लगे होते हैं? एक ऐसा देश जहां एग्जाम में चीटिंग करने पर हो सकती है बच्चे को जेल। दुनिया की सबसे महंगी कॉफी जिसे तैयार किया जाता है हाथी की पॉटी से। एक ऐसी कार जो साउंड की स्पीड से भी तेज चलती हो। क्यों सर्दियों वाले वुलन कैप्स में पॉम पॉम लगे रहते हैं? इन सब के बारे में आइए जानते हैं इस टॉप 10 हिंदी वीडियो में। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। एक, अक्सर हम सर्दियों में ठंड से बचने के लिए वुलन टोपियों का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आमतौर पर सर्दियों वाले वुलन कैप्स में पॉम पॉम लगे रहते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? आप में से ज्यादातर लोगों का मानना होगा कि ये सिर्फ सजावट के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पॉम पॉम वाले वुलन कैप्स का रिवाज वाइकिंग युग से चला रहा है। एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक स्वीडन में फ्रेयर नाम के भगवान पॉम पॉम वाला सुरक्षा कवच सर पर लगाते थे और यहीं से यह चलन में आया है। दो, दोस्तों वो कहते हैं ना कि अगर नेकी की चाह हो तो राह मिल ही जाती है। गुजरात के जूनागढ़ का रहने वाला ये 70 साल का शख्स हर रोज मंदिरों में चढ़ाए गए हजारों लीटर दूध को अपने डिब्बों में भरकर अपने घर लाता है। वो दूध को उबालकर उसमें चीनी मिलाकर गरीब बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में बांट देता है। नंबर तीन, दोस्तों की आपको पेट्स पसंद है और आप इन्हें लेने की सोच रहे हैं तो बता दें, एक रिसर्च के मुताबिक डॉग्स आपको कैट्स के मुकाबले अधिक प्यार करते हैं। एक्चुअली एक कुत्ता अपने दिमाग में ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, 60% तक रिलीज करता है, जबकि एक बिल्ली 12% ही रिलीज करती है। नंबर चार, आमतौर पर लोग अपने घर की दीवारों पर घूमती छिपकलियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये घरेलू छिपकलियां काटती भी हैं? जब ये छिपकलियां किसी को काटती हैं, तो उनके कुछ दांत जख्म वाली जगह पर ही रह जाते हैं। इनका जहर बहुत खतरनाक होता है, अगर समय रहते इलाज ना किया जाए तो जान भी जा सकती है। पांच, दोस्तों एटीएम कार्ड तो हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एटीएम कार्ड का पिन 4 अंकों का ही क्यों होता है? शायद आपको लगता होगा कि 4 अंकों को याद रखना आसान है इसलिए। हाँ, ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। दरअसल एटीएम मशीन को बनाने वाले व्यक्ति ने सबसे पहले एटीएम के लिए 6 अंकों का पिन निर्धारित किया था, लेकिन उनकी पत्नी को इसे याद रखने में दिक्कत होती थी, इसलिए उसने इसे 4 अंकों का कर दिया है। 6, ठंड के दिनों में नहाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है, पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जनजाति भी है जहां की महिलाएं जीवन में सिर्फ एक बार ही नहाती हैं, इसके बावजूद भी वो फ्रेश रहती हैं। मुझे पता है अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। दरअसल अफ्रीका के कुनैन प्रांत में एक हिम्बा जनजाति रहती है जिसकी महिलाएं सिर्फ अपनी शादी के वक्त नहाती हैं। और रही बात फ्रेश रहने की, तो बता दें यहाँ की औरतें खास जड़ी बूटियों को पानी में उबालकर उसके धुएं से अपनी बॉडी को फ्रेश रखती हैं। 7, दोस्तों ट्विन सिस्टर्स तो आपने देखी ही होंगी, लेकिन आज हम आपको जिन ट्विंस से मिलवाने जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ये हैं एना और लूसी। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली ये ट्विन सिस्टर्स सेम टू सेम दिखने के लिए सब काम सेम टू सेम करती हैं, फिर चाहे वो खाना खाना हो या फिर एक्सरसाइज करना। दोस्तों हद तो तब हो गई जब इन ट्विन सिस्टर्स ने शादी भी एक ही आदमी से की और अब दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी होना चाहती हैं। 8, क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश में सबसे ज्यादा कड़ी होती है? प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ रेंज रोवर, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू 760 Li में सफर करते हैं, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री के काफिले में एक बुलेट प्रूफ कार को शामिल किया गया है। इस कार का नाम है मर्सिडीज मेबैक S650। इस कार की खासियत है कि इसकी बॉडी और खिड़कियों पर धमाके का भी असर नहीं होता और इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9, दोस्तों ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यकीनन आप इसे एक लकड़ी का टुकड़ा समझ रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें ये कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक इंसेक्ट है। इस इंसेक्ट का नाम है बफ टिप मॉथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसे पहली बार देखकर कोई भी इसे लकड़ी का टुकड़ा समझने की गलती कर बैठेगा। ये इंसेक्ट ज्यादातर एशिया और यूरोप के जंगलों में पाए जाते हैं। 10, दोस्तों अगर प्राइम मिनिस्टर कहें कि मुझे कार खरीदने के लिए लोन चाहिए तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये बात पूरी तरह सच है। हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को एक कार खरीदनी थी जिसकी कीमत उस वक्त 12,000 रुपए थी, लेकिन उस वक्त शास्त्री जी के पास केवल 7,000 रुपए थे, जिस वजह से उन्होंने 5,000 रुपए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था। आज उस कार को आप नई दिल्ली के शास्त्री मेमोरियल में देख सकते हैं। 11, दोस्तों जहां की कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहां ये पीले रंग की बड़ी मशीन आपको जरूर दिखाई देती है, जिसे हम और आप JCB बोलते हैं।
लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिसे आप जेसीबी बोल रहे हैं उसका नाम जेसीबी नहीं है? हो गए ना आप भी हैरान। दरअसल इस मशीन का नाम बैकहो लोडर है। इस मशीन को बनाने वाली कंपनी का नाम जेसीबी है। ये कंपनी करीब 80 साल से कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होने वाली मशीनों का निर्माण कर रही है। नंबर 12। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश भी है जहां एग्जाम में चीटिंग करने पर बच्चे को जेल हो जाती है? ये देश कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है। यहां के स्कूलों में ऐसा रूल है कि अगर आप एज 15 ईयर्स से अधिक हैं और आप एग्जाम्स के वक्त चीटिंग करते पकड़े गए हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। 13। दोस्तों कि आपको तेज स्पीड कार्स राइडिंग का शौक है? अगर हाँ तो बता दे, थ्रस्ट SSC दुनिया की पहली ऐसी कार है जो साउंड की स्पीड से भी तेज चलती है। ये एक ब्रिटिश जेट कार है जिसने ब्लैक रॉक डेजर्ट 1228 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर अपना शानदार रिकॉर्ड बनाया है। 14। किटी पार्टी और परिवार में मनोरंजन के लिए ताश तो बहुत से लोग खेलते होंगे। अगर नहीं भी खेले हो तो ताश के पत्तों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि बादशाह के चार पत्तों में से लाल रंग के पत्ते, जिसे कुछ लोग पान का पत्ता भी कहते हैं, उसमें बादशाह की मूछें नहीं होती हैं। 15। आपने कभी ध्यान दिया है कि अक्सर कुछ लड़कियों की शादी होते ही उनकी कमर चौड़ी हो जाती है? इसके पीछे की वजह ढूंढने के लिए सैन फ्रांसिस्को के रिसर्चर्स ने 18 से 26 साल तक की 162 महिलाओं पर एक रिसर्च किया और इसके लिए 6 महीने की अवधि भी तय की। उन्होंने सबसे पहले तो महिलाओं को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप की महिलाओं को केवल एक ही पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने को कहा और दूसरे ग्रुप की महिलाओं को एक से अधिक पार्टनर्स के साथ रिलेशन बनाने को कहा। इस रिसर्च में पाया गया कि उन महिलाओं की कमर चौड़ी थी जिन्होंने केवल एक ही पुरुष के साथ रिलेशन बनाया था, जबकि जिन महिलाओं ने एक से अधिक पुरुषों के साथ फिजिकल रिलेशन रखे उनकी कमर ज्यादा चौड़ी थी। 16। दोस्तों आपने डिजिटल फ्रेंडशिप और डिजिटल डेटिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको डिजिटल शादी के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी के बीच पुणे के एक जोड़े ने डिजिटल शादी की है। माना जा रहा है कि यह भारत में पहली डिजिटल शादी है। पुणे के अनिल और श्रुति नायर ने ब्लॉकचेन पर शादी की है। इस शादी को डिजिटल पंडित ने कराया है। आपको बता दें कि दोनों ने कोर्ट मैरिज के बाद ये शादी की है। 17। दोस्तों कई बार जब आप शाम के समय कहीं बैठे होते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि मच्छर आपके सर पर मंडराने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खून चूसने वाले मच्छर आपके सर के ऊपर क्यों मंडराते हैं? बता दें, इंसान के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गंध पसंद होती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से 10 मीटर दूरी से इंसानों के आसपास होने का पता चल जाता है। 18। दोस्तों गंगा जल की पवित्रता से तो हम सभी वाकिफ हैं। आपने ये सुना भी होगा कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता है, लेकिन इसके पीछे की वजह शायद ही आपको पता हो। दरअसल गंगा जल में बैक्टीरिया फोस नामक बैक्टीरिया मौजूद होता है। इस बैक्टीरिया की खासियत है कि यह जल में मौजूद गंदगी को खाता है। इसके अलावा गंगा जल में गंधक भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है और यही वजह है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। 19। कॉफी पीकर हम खुद को तरोताजा महसूस करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कैसे बनती है? बता दें, उत्तरी थाईलैंड में बनाई जाने वाली ब्लैक आइवरी कॉफी दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है। इस कॉफी की कीमत $1100 यानी कि ₹83,000 प्रति किलो है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कॉफी हाथी की पॉटी यानी लीद में शामिल बीजों से तैयार होती है। 20। आपने अक्सर फैक्ट्रीज की छत पर ऐसे गोल इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं? आपको बता दूं कि इन्हें विंड वेंटिलेटर्स कहते हैं। अब ऐसा कि आप जानते हैं कि फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स होती हैं और इनसे बेहद ज्यादा हीट निकलती है। इस हीट के कारण वहां की हवा गर्म हो जाती है और ये गर्म हवा ऊपर की ओर आकर विंड वेंटिलेटर से बाहर निकल जाती है, जिससे फैक्ट्री का तापमान सामान्य बना रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।